हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशंस बाय लेंसेज किस टाइप से रहती हैं। आज हम अपनी वीडियो में देखने जा रहे हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे डिराइव किया जाता है। तो लेंस फॉर्मूला के लिए हमने एक केस लिया हुआ है जब हमारी इमेज जो है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज बन रही है, और कौन सा लेंस हमने लिया है, ये है कन्वेक्स लेंस। तो हम देखेंगे इसके लिए कि लेंस फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। हम स्टार्टिंग करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं तो ये कैसे सिमिलर हैं, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल, इसमें देखो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल इधर को बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम रहेंगे और एक एक एंगल 90 डिग्री का। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर रहती हैं। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। मिरर के केस में हमने क्या लिखा था, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, वो था हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जैसे एच डैश बाई एच, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हमने, पहले हमने ऑब्जेक्ट की हाइट लिखी फिर इमेज की हाइट लिखी, जो किसके बराबर होगी। तो अब पॉइंट्स देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स के, एक तो हमारे पास आ गया ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, जो किसके बराबर है, या हम देखेंगे कौन से पॉइंट से इनकी डिस्टेंसेज हैं। तो सी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए, क्योंकि हम पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सी ए पहले लिखेंगे, उसके बाद इमेज की बात करेंगे तो आएगा सी ए डैश, तो ये आ गया सी ए डैश। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें एक और ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, वो हम कौन सी लेंगे, वो ट्राइंगल हम लेंगे सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। अब यहाँ भी हम सेम देखेंगे, पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम पहले इसकी हाइट देखेंगे फिर इमेज की हाइट देखेंगे। तुम्हारे पास आएगा देखो सी डी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब किसकी डिस्टेंस देखनी है हमने, किसकी डिस्टेंस देखनी है, जो पॉइंट इनमें सिमिलर है, कौन सा पॉइंट सिमिलर है, फोकस जो है वो इनमें सिमिलर है दोनों ट्राइंगल्स में, सी डी एफ में और ए डैश बी डैश एफ में। अब ये दो ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर हैं वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल इस तरह से सिमिलर हैं। तो ये किसके बराबर रहेगा, सी डी बाई डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, वहाँ से पॉइंट देखते हैं तो आ जाएगा सी एफ डिवाइड बाई एफ ए डैश, तो एफ ए डैश। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करके देखेंगे, लेकिन अगर इन इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो ये देखो सी डी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो सी डी किसके बराबर है, ये है सी डी, देखो तो सी डी पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट ए बी के ही बराबर है, या पूरी तरह से हम बोल सकते हैं ए बी के बराबर है, तो सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं। यूजिंग दिस इन सेकेंड बी गेट ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई एफ ए डैश। ओके, अब ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन बी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन तो सिमिलर हैं, तो इनकी जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन हैं ये भी सिमिलर होनी चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड वाली को ही लिखेंगे सी ए डिवाइड बाई सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई एफ ए डैश। अब ये जो सी ए सी ए डैश एफ सी एफ और एफ ए डैश जो है ये हैं क्या क्या, तो इनको हम वहाँ से इमेज से देखेंगे कि ये पॉइंट्स हैं क्या क्या। तो यहाँ पे मैं सी ए लिखने जा रहा हूँ, पहले सी ए किसके बराबर है, तो ये देखो सी ए ये तो ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कैसी है यू, लेकिन यहाँ पे हम साथ साथ में साइन कन्वेंशन भी यूज़ कर लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड रहती है मैंने आपको पहले बताया था वो नेगेटिव लेनी है, तो सी ए नेगेटिव यू। अब ये जो सी ए डैश है ये किसके बराबर है,
तो ये देखो ये तो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये हमने पॉजिटिव लेनी है, तो ये आ गई पॉजिटिव वी। अब हम देखेंगे सी एफ को, तो सी एफ क्या है, सी एफ तो ये वाली डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है, ये तो फोकस के बराबर है। तो ये हमारे पास फिर से जो कन्वेक्स लेंस होता है इसमें देखो दो फोकल लेंथ होती हैं वैसे तो, लेकिन कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे कनकेव होता ना तो हम नेगेटिव लेते। तो ये किसके बराबर, पॉजिटिव एफ के बराबर। अब हमारे पास पॉइंट बचा एफ ए डैश, तो एफ ए डैश कौन सा पॉइंट है, देखो ये है एफ ए डैश, इतनी सी डिस्टेंस, ये कब निकलेगी, जब हम बड़ी से छोटी डिस्टेंस को माइनस करेंगे। तो हमने किससे किसे माइनस करना है, तो v माइनस f करना है हमने, यही करना है ना, तो हम सीधा ही लिख देते हैं v माइनस f, ओके। और v पॉजिटिव आएगा लेकिन f भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस चाहिए तब माइनस कर रहे हैं v माइनस f, ओके। अब इन सारी इक्वेशंस को हम यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन फोर में, तो इक्वेशन फोर में जब इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस यू डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस यू वी, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब जैसा हमने मिरर में किया था लास्ट में, क्या किया था मिरर में, कि हमने डिवाइड कर दिया था जो इक्वेशन आई थी उसे यू वी आर से, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे यू वी एंड एफ से। तो जब हम इसे यू वी और एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यू वी एंड एफ, यू वी से यू वी गया, यू एफ से यू एफ गया, वी एफ से वी एफ गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहां से जो बच के आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, माइनस वन वाई एफ, तो ये आ गया माइनस वन वाई एफ, प्लस वन वाई वी, प्लस वन वाई वी इज इक्वल टू वन वाई यू, वन वाई यू। अब यू को हम इधर ले आते हैं और वन वाई एफ जो है उसे उस साइड ले जाते हैं, तो यू इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन वाई यू, वी यही था तो ये प्लस वन वाई वी इज इक्वल टू वन वाई एफ जो है ये माइनस में था, ये राइट हैंड साइड जा रहा है तो हो जाएगा प्लस वन वाई एफ, और यही जो है वो हमारा लेंस फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे ये जो यू है ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस, और एफ है फोकल लेंथ ऑफ अवर लेंस, ओके। तो इस तरह से हम लेंस फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यही केस जो है वो आपको वर्चुअल इरेक्ट के लिए भी पूछा जा सकता है कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस में, और यही चीज़ जो है वो आपको कनकेव लेंस के लिए भी पूछी जा सकती है, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि लेंस फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, एंड इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।